हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज बनाने जा रही हूँ एक और नई डिजाइन का डोरमेट। इससे आप टेबल मैट भी बना सकते हैं या पूजा का आसन बना सकते हैं। और देखिए, इसे बनाने के लिए मैंने 3 कलर की वूल ली है। आप इसको पुरानी साड़ी या चुन्नी से भी बना सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, मैंने यहाँ पे 26 फंदे ले लिए हैं, 26 फंदे। और देखिए, आप 4 के मल्टीपल में फंदे लेके 2 फंदे और ऐड कर लें तो आपका ये डिजाइन इसमें सेट हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए, हम पहली रो में ही डिजाइन स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 फंदे हमने यहाँ पे बुन लिए। अब हम यहाँ से इसमें सेकंड कलर ऐड कर लेंगे। तो देखिए, यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 फंदे हमने यहाँ पे रखे थे। तो 8 हमने ब्लैक किए, 2 हमने बिना बुने छोड़ दिए। अगर आप फंदे ज़्यादा डालेंगे तो आप यहाँ पे फंदे ज़्यादा रखेंगे। जैसे हमने यहाँ पे 10 रखे तो आपको यहाँ पे 10 ही लेने हैं। जो फंदे आप ज़्यादा डालेंगे वो यहाँ पे ऐड करेंगे। अब हम यहीं से इसको पलट लेंगे, वूल को अपने तरफ करके, और इधर जो जिस कलर से है उसको हम वैसे ही बना लेंगे लास्ट तक। ये देखिए, ये देखिए, इसको हम पीछे करेंगे, इसको आगे लाएंगे। यहाँ से इधर की रो हम उल्टा बुनते हुए लास्ट तक जाएंगे। तो लास्ट तक बना लेते हैं। इधर की रो कंप्लीट कर ली। अब देखिए, यहाँ से हम इसको उतार लेंगे। यहाँ से देखिए, फिर से हम 16 फंदे बुनेंगे। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16। अब देखिए, इसको हम ऐसे करेंगे, यहाँ से हम ब्लैक से बुनेंगे। तो यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब 2 हम फिर से छोड़ देंगे और यहीं से पलट जाएंगे ऐसे। और इधर की रो हम जो जिस कलर से बना है उसको कंप्लीट करेंगे। तो इधर की रो हमने कंप्लीट कर ली। और देखिए, यहाँ पे ये 2 रो आ गई हैं, दोनों तरफ की 4 रो हमने कंप्लीट कर ली। अब हम 4 फंदे आगे से इसमें ऐड करेंगे। तो यहाँ से देखिए, इसको हम उतारेंगे वूल अपने तरफ करके। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 फंदे हमने बुने। अब हम यहाँ से ये वाला कलर लगा लेंगे। तो 1, 2, 3, 4 ये बुने। और देखिए, 5, 6, 7 और 8, 2 हमने फिर से छोड़ दिए। ये देखिए, यहाँ पे 4 फंदे हम छोड़ेंगे, ब्लैक के 4 छूट गए। अब देखिए, यहाँ पे जो जिस कलर से है उसी से हम बना के कंप्लीट करेंगे। इधर की रो कंप्लीट कर ली। अब हम इसको उतार लेंगे, वूल अपने तरफ करेंगे। यहाँ से हम फिर से बुनेंगे। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और देखिए, यहाँ से हम इसको इधर करेंगे और यहाँ से हम फ्रोजी कलर से बनेंगे। 1, 2, 3, 4, 5 और 6, 2 हम बिना बुने छोड़ देंगे और यहीं से पलट लेंगे। इधर जो जैसा है उसको हम वैसे ही बना लेंगे। इधर की रो हमने कंप्लीट कर ली। और यहाँ पे देखिए, 2 रो ये आ गई हैं। अब हम 4 फंदे आगे फिर से बुनेंगे। तो देखिए, यहाँ से
ये दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, आठ फंदे बुने। अब हम यहाँ से देखिए, ये ब्लैक को आगे लाएंगे ऐसे एक, और इसको भी आप इधर कर लें ऐसे, तो ये लंबा धागा नहीं रहेगा। दो, तीन, चार, अब यहाँ से पाँच, छः, सात, आठ, दो हमने फिर से छोड़ दिए और यहीं से पलट लिया। यहाँ जो जैसा है उसको हम वैसे ही लास्ट तक बुनेंगे। इधर की रो कंप्लीट हो गई। अब देखिए यहाँ से हम वापस इस फंदे को उतार लेंगे बूल अपने तरफ। दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, आठ बनाने के बाद हम इसको इधर करेंगे और यहाँ से देखिए एक, दो, तीन, चार, पाँच और छः, दो हम ब्लैक के छोड़ देंगे, यहीं से पलट लेंगे। यहाँ पे जो जिस कलर का है उसको हम लास्ट तक बनाएंगे। इधर की रो कंप्लीट कर ली हमने, चार रो आ गई हैं इसकी ब्लैक की। अब हम चार फंदे फिर से आगे से कर लेंगे, दो, तीन और चार। अब देखिए फ्रोजी से हम यहाँ से ऐसे, और इसको भी हम ऐसे कर देंगे, ये देखिए। तो यहाँ से देखिए दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, दो हमने छोड़ दिए, यहीं से पलट लेंगे। यहाँ पे जो जिस कलर से बना है उसको हम वैसे ही बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। इधर की रो कंप्लीट करने के बाद अब हम वापस उल्टे तरफ आ गए जहाँ से हमने इसको उतारा, और चार फंदे हम पीच कलर से बुनेंगे, ये देखिए। इसके बाद हम इसको इधर करेंगे, यहाँ से एक, दो, तीन, चार, पाँच और छः, दो हम फिर से छोड़ देंगे और यहीं से पलट लेंगे। इधर जो जैसा है उसको हम वैसे ही बुनते हुए लास्ट तक जाएंगे। ये देखिए, आप देखिए यहाँ से हम ये चार फंदे ब्लैक से कर लेंगे, ये देखिए ऐसे, और देखिए ये देखिए पाँच, छ, सात, आठ, दो हमने फिर से छोड़ दिए, ऐसे हम पलट जाएंगे। यहाँ पे जो जिस कलर का है उसको हम वैसे ही बना लेंगे, ये देखिए। ये देखिए इस तरह से। अब यहाँ पे हम एक बार और बनाएंगे। अब देखिए यहाँ से हम इसको उतारेंगे, बूल अपने तरफ करेंगे और देखिए दो, तीन, चार, पाँच, छः, दो हमने फिर से छोड़ दिए और यहीं से हम पलट लेंगे। तो इधर दो रो ब्लैक की भी आ गई हैं इसमें, ये देखिए इस तरह से। तो अब देखिए यहाँ पे एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, दस दूनी बीस, बीस फंदे हमने दो दो करके छोड़ दिए और ये छः फंदे ऐसे ही हैं। तो यहाँ पे देखिए हाफ कली बन गई है। अब हम यहाँ से पहले चार फंदे हम ये पीच कलर से बुनेंगे, एक, दो, तीन और चार, ये देखिए। अब यहाँ से एक और दो, दो फंदे ये, और हम दो ये वाले और बुनेंगे ऐसे। अब हम दो ये आगे से लेंगे ऐसे, तो यहाँ पे टोटल छः फंदे हमने ले लिए, यहीं से हम पलट जाएंगे। ये देखिए इस तरह से। अब इसको हम ऐसे करेंगे, इसको आगे लाएंगे, ये देखिए इस तरह से। अब हम अंदर के साइड जाएंगे, तो वापस हमने इसको उतारा, बूल अपने तरफ किया,
देखिए 2, 3, 4 और इसको हम यहाँ से इसको भी इधर कर लेंगे और यहाँ से हम क्रोजी से बुनेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब 2 हमें आगे से लेने हैं, गैपिंग भरनी है, तो ऐसे हम उठाएंगे फंदा और इसके साथ ऐसे बुन लेंगे, यहीं से फिर से पलट लेंगे। यहाँ पे जो जिस कलर का है उसी से हम इसे बनाते हुए जाएंगे लास्ट तक। ये देखिए इसको हम पीछे कर देंगे, इसको आगे लाएंगे। तो देखिए इस फ्रोजी कलर की 4 रो हमारे पास आ गई हैं, तो 4 यहाँ पे ये पीच की भी हो गई। तो अब हम यहाँ पे 8 फंदे पीच कलर से बुन लेंगे, इसको उतारेंगे, 4 हम ये बुनेंगे, 4 फ्रोजी में से ले लेंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये देखिए इस तरह से। अब हम यहाँ से ब्लैक कलर को ऐड करेंगे, तो यहाँ से 1, 2, 3, 4। अब हमें 2 ब्लैक लेने हैं, तो फ्रोजी को हम ऐसे उठाएंगे यहाँ से और ब्लैक के साथ 3 का 1 कर देंगे, ऐसे यहीं से पलट लेंगे। इधर की रो कंप्लीट हो गई। अब यहां से वापस हम इसे पलट लेंगे, देखिए 8 फंदे हमने ये पीच कलर से बुने। उसके बाद हम पीच को इधर कर लेंगे और ब्लैक से बुनेंगे, 2, 3, 4, 5, 6। 2 हमें आगे से लेने हैं, इसको उठाना है और इसको उठाना है और यहाँ पे 3 का 1 कर देना, 1 और आगे से और यहीं से पलट जाना है। यहाँ पे जो जिस कलर का है उसको हम वैसे ही बना लेंगे। ये देखिए इसको हम ऐसे पीच कलर को आगे लाएंगे और 8 फंदे हम ये पीच कलर से बुन लेंगे। अब देखिए यहाँ पे ये 4 रो फिर से हो गई हैं, तो अब देखिए इसी तरीके से हम ये 4-4 फंदे इसके करते हुए जाएंगे। देखिए अब हम यहाँ पे 12 फंदे पीच कलर से बुनेंगे, देखिए 8 बुन लिए थे, देखिए 8 ये और 4 हम आगे से कर लेंगे ऐसे, 1, 2, 3 और 4। अब लगाएंगे हम यहाँ से ये फ्रोजी कलर, तो यहाँ से 1, 2, 3, 4 2 हमें आगे से लेने हैं, गैपिन को भरना है ऐसे, यहाँ पे 3 का 1 ये देखिए यहीं से पलट जाएंगे। यहाँ से हम इधर की रो पूरा करेंगे, इधर की रो हमने कंप्लीट कर ली। अब देखिए ऐसे ही हम ये 4-4 रो बनाते हुए लास्ट तक बना लेते हैं, फिर हम आपको दिखाते हैं। जैसे हमने पहले 4 बुने, फिर 8 बुने, फिर 12 बुने, अब 4 फिर और कर लेंगे, फिर ब्लैक को ऐड करेंगे, फिर 4 कर लेंगे, तो इस तरह से हम कर लेते हैं, फिर दिखाते हैं आगे। ये देखिए हमने यहाँ तक इसको बना लिया, लास्ट में हम यहाँ तक 2 फंदे मेरे पास रह गए हैं, 2-2 फंदे लेते हुए अब हम सारे फंदे इसी कलर से बुन देंगे। ये देखिए 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 और देखिए यहाँ से फंदा उठाएंगे और देखिए इसके साथ ऐसे बना देंगे ताकि कोई भी कहीं भी गैपिंग ना रहे। और 26, टोटल 26 फंदे आ गए मेरे पास। अब इसको हम उतार लेंगे, वूल अपने तरफ करेंगे, इधर की रो हम लास्ट तक उल्टा ही बुनेंगे। तो हम लास्ट तक इसको बुन लेते हैं। ये देखिए इस तरह से हमने इधर की रो कंप्लीट कर ली। अब देखिए हम फिर से रिपीट करेंगे फर्स्ट रो, जैसे हमने फंदे डालने के बाद बनाया था। तो यहाँ से अब दूसरी कली स्टार्ट हो रही है, तो हम आपको ये स्टार्ट करके दिखाते हैं। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16 16 फंदे हमने ये पीच कलर से बुन लिए और यहाँ से अब हम ब्लैक कलर से बुनेंगे। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 2 हम बिना बुने छोड़ देंगे। तो यहाँ से देखिए ये दूसरी कली स्टार्ट हो गई। तो ऐसे ही अब हम इसको बना के पूरा करेंगे, फिर हम आपको दिखाएंगे।